गणेश चतुर्थी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है, ये पर्व उन्हीं का है। हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस पर्व की महत्ता, परंपराएं और इसके बारे में गणेशोत्सव की खास तैयारियां। गणेश चतुर्थी की शुरुआत किस प्रकार हुई, इसका उल्लेख पुराणों और पौराणिक कथाओं से मिलता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान गणेश को अपने शरीर के उपटन से बनाया था। भगवान शिव के साथ कुछ घटनाओं के बाद भगवान गणेश को प्रथम पूजा का दर्जा दिया गया और गणेश वंदना से शुरुआत की गई। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना घरों और पंडालों में की जाती है। माना जाता है कि गणेश जी भक्तों के जीवन में सभी विघ्नों को दूर करते हैं और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक चलता है और 10 दिनों में भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन गणपति की मूर्ति का स्वागत घरों और पंडालों में किया जाता है, जिसे गणपति स्थापना कहा जाता है। हर दिन गणेश जी की पूजा की जाती है, भोग चढ़ाए जाते हैं और खास तौर पर मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो गणेश जी को सबसे प्रिय भोजन माना जाता है। पिछले कुछ सालों से इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों का चलन चल चुका है। पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण लोग प्लास्टर ऑफ पैरिस की जगह मिट्टी और प्रकृति सामग्रियों से बनी मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं। इस पर्व के दौरान महाराष्ट्र में जगह जगह बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, खासकर मुंबई में, जहां लाखों लोग लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए आते हैं। ये पंडाल न केवल धार्मिक स्थल होते हैं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र बन जाते हैं। यहाँ नाट्य मंचन, संगीत कार्यक्रम और सामूहिक भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों को एकजुट करने वाला पर्व भी है। इस दौरान लोग एक दूसरे के घर जाकर गणेश जी की दर्शन करते हैं और मिलजुल कर त्यौहार का आनंद लेते हैं। इस साल 2024 में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से शुरू हो रही है। देश भर में बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में हर साल की तरह इस साल भी विशेष सुरक्षा और यातायात प्रबंध के इंतजाम किए जा रहे हैं। गणेश मंडलों द्वारा इको फ्रेंडली मूर्तियों का बढ़ावा देने के साथ साथ ऑनलाइन दर्शन की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। गणेशोत्सव के इस अवसर पर हर कोई उत्साहित है। श्रद्धालु अपने घर और पंडालों से भगवान गणेश की स्थापना कर रहे हैं और 10 दिनों तक उनकी सेवा और पूजा में लीन रहेंगे। गणेश चतुर्थी भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पर्व है जो भक्ति, आस्था और समर्पण को एक नए स्तर पर ले जाता है। भगवान गणेश न केवल विघ्नहर्ता हैं बल्कि हमें ज्ञान, विवेक और धैर्य का भी मार्ग दिखाते हैं। इस पर्व के माध्यम से हम सभी जीवन में सकारात्मक और उत्साह का संचार करते हैं। तो आइए इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि वो हमें जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें और हमें स्वस्थ करें, सुखी और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दें। गणपति बप्पा मौर्या, मंगलमूर्ति मौर्या।